हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मूंग की दाल की बर्फी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम इसमें चाशनी का यूज़ नहीं करेंगे, इसे हम आज बिना चाशनी के ही बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 250 ग्राम मूंग की दाल ले ली है, इसे हम पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये दाल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, अब हम इसे छान लेंगे। इसे हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसमें से पानी अच्छे से निकल जाए। इसमें से पानी अच्छे से निकल गया है। दाल को हम सूखे कपड़े पर डाल देंगे और इसे पोंछ कर इसे अच्छे से सुखा लेंगे। अब इसमें से पानी अच्छे से सूख गया है, इसे हम रोस्ट कर लेंगे। दाल को हम पैन में डाल देंगे। इसमें हमें घी नहीं डालना है, इसे हमें ऐसे ही रोस्ट करना है। अब ये दाल रोस्ट हो गई है, हम गैस को बंद करके इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे, फिर हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। दाल को मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है, अब हम इसे पीस लेंगे। हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल देंगे। अब घी गर्म हो गया है, इसमें हम दाल का पाउडर डाल देंगे। इसे हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक इसमें से अच्छी खुशबू ना आनी स्टार्ट हो जाए। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। अभी ये अच्छे से रोस्ट हो गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। गैस को हम 2 मिनट के लिए बंद कर देंगे ताकि ये नीचे से जले ना। हम इसमें 100 ग्राम मिल्क पाउडर डाल देंगे, आप चाहे तो इसमें मावा भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें 200 ग्राम शुगर पाउडर डाल रही हूँ। हमने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है, इसलिए मैंने चीनी थोड़ी कम डाली है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें 250 ग्राम चीनी भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैं इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अब हम गैस चलाकर इसे अच्छे से पका लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा घी डालकर इसे हिलाते जाएंगे। थोड़ा सा दूध ले लिया है, हम थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे। ये हम इसमें डाल देंगे ताकि इसका कलर और भी अच्छा हो। ये मैं थोड़े से इसमें कटे हुए बादाम डाल रही हूँ। ये हमारा बर्फी का बैटर एकदम तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद करके इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे, फिर हम मोल्ड में ट्रांसफर करेंगे। अब हम मोल्ड को घी से ग्रीस कर लेंगे। इसके बटर पेपर लगा देंगे और इसे भी हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसे हम अच्छे से फैला देंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा चांदी का वरक लगा देंगे। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर चांदी का वरक लगा दिया है, बाकी हम ड्राई फ्रूट से थोड़ा डेकोरेट कर देंगे। ये बादाम डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा इसके ऊपर पिस्ता डाल देंगे। इसे हम स्पैचुला से थोड़ा प्रेस कर देंगे। अब इसे हम सेट करने के लिए किचन में ही रख देंगे। अभी ये अच्छे से बर्फी सेट हो गई है, इसे हम अनमोल्ड कर लेते हैं। हम नाइफ की हेल्प से इसे साइड से निकाल लेंगे। अब इसके हम पीसेस कट कर लेते हैं। ये इसके हमने पीसेस कट कर लिए हैं, अब हम सर्व करने के लिए इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारी मूंग दाल की बर्फी बनकर एकदम तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।